देखो अपन डिस्कस कर रहे थे समाकलन में, खंड से समाकलन। अब खंड से समाकलन में हम इस टॉपिक पर से रिलेटेड समाकलन कर रहे थे कि आपको समाकलन ओ ई की पावर एक्स है उसके साथ एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स डी एक्स आ जाए, यानी ऐसे फलनों का समाकलन जिसमें ये रूप हो ई की पावर एक्स के गुणा में एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स हो, यानी एक का अवकलन दूसरा होता है, एफ एक्स का अवकलन है वो एफ डेस एक्स होता है। अगर ऐसा आपको आ जाए तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों के समाकलन अलग अलग करेंगे ए की पावर एक्स गुणा करके। तो ए की पावर एक्स एफ एक्स डी एक्स प्लस समाकलन ऑफ ई की पावर एक्स एफ डेस एक्स डी एक्स, ऐसा करना है। फिर क्या करना है, हमारा जिसका अवकलन एफ एक्स का अवकलन एफ डेस एक्स है तो जो अवकलन उसको रहने दो, जिसका अवकलन है उसमें क्या करो खंड से समाकलन लगाओ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये दो नंबर हो जाएगा आपका, ये एक नंबर हो जाएगा। फिर खंड से समाकलन लगा के इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये फिर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा आपका e की पावर x f x प्लस का c फिक्स है। अगर आपका एक नंबर का क्वेश्चन आए तो हम सीधा ये आंसर लिख सकते हैं, लेकिन आपका क्वेश्चन एक नंबर का नहीं है, कम से कम तीन नंबर का आएगा, इसलिए अपने को क्या करना पड़ेगा इसमें खंड से समाकलन लगा के इसको कैंसिल करके उसके बाद में अपने को क्या करना है, आंसर लाना है। तो देखो आपको क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, इसी से रिलेटेड है e की पावर x ब्रैकेट में log sec x प्लस tan x प्लस का sec x ऐसे दिया हुआ है। इसका हमें समाकलन करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको समाकलन रूप में व्यवस्थित कर लेंगे। तो let i बराबर समाकलन ऑफ e की पावर x log sec x प्लस का tan x प्लस sec x। अब इसमें अपने को पहचान ही, देखो e की पावर के साथ ज्यादा पद है इसका मतलब एक का अवकलन दूसरा होगा। अब पता करना है किसका अवकलन करेंगे तो कौन सा प्राप्त होगा। तो पहले sec x छोटा है तो हम sec x का अवकलन करेंगे, तो sec x का अवकलन होता है sec x tan x जो इसमें विद्यमान नहीं, इसका मतलब इसका अवकलन तो नहीं करना। फिर बचा कौन सा, log sec x + tan x, इसका अवकलन करके देखते हैं। तो अपने रफ पेज में देखेंगे d / dx log sec x + का tan x, ये ब्रैकेट क्लोज। लॉग का अवकलन होता है 1 / अंदर वाला, तो 1 sec x प्लस का tan x। फिर अंदर वाले का करेंगे तो sec x का हो जाएगा आपका sec x tan x, sec x tan x प्लस tan x का हो जाएगा sec square x, sec square x, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो ऊपर sec x कॉमन आ रहा है तो हम sec x कॉमन ले लेंगे, sec x कॉमन आ गया, फिर बचा क्या आपका tan x प्लस का sec x / sec x + tan x, sec x + का tan, इससे आपका ये पद क्या हो गया, कैंसिल हो गया, फिर बचा आपका sec x। तो देखो sec x हो गया, यही है। तो हम क्या करेंगे इसका अवकलन करें, तो इस अब इन दोनों को e की पावर x को अलग मल्टीप्लाई करेंगे, समाकलन अलग करेंगे, इसके बाद इस वाले पद में हम क्या करेंगे खंड से समाकलन अप्लाई करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो आपका i बराबर समाकलन ऑफ e की पावर x log sec x प्लस का tan x dx प्लस समाकलन ऑफ sec x dx। अब इसमें खंड से समाकलन अप्लाई करेंगे, तो देखो खंड से समाकलन उसमें हमें प्रथम फलन और द्वितीय फलन देना पड़ता है, वो देते हैं अपन आइलेट नाम के आधार पर। तो आइलेट, अब इसमें कौन कौन से फलन है, तो देखो एक तो e की पावर x यानी एक्सपोनशियल यानी e की क्रॉस वाले, तो ये एक्सपोनशियल में आते हैं। दूसरा है आपका log, log वाले आपके यहाँ आते हैं, तो इधर से क्रम स्टार्ट होता है, जो पहले आएगा उसको पहला नंबर दो, बाद में उसको बाद का नंबर दो। तो ये एक नंबर तो जाएगा log वाला, दो नंबर हो जाएगा एक्सपोनशियल। तो इसको दे दिया हमने एक नंबर और इसका दे दिया हमने दो नंबर। अब इसका समाकलन करते हैं, वो समाकलन कौन सा होता है, खंड से समाकलन, तो उसको लिखते हैं इंटीग्रेशन दूसरा द्वितीय फलन होता है। तो कहता क्या है, पहला कॉन्स्टेंट दूसरे का समाकलन, फिर माइनस समाकलन और बड़ा कॉन्स्टेंट पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन पूरे का dx प्लस का c, ऐसे होगा। अब देखो u की जगह तो यहाँ है log sec x + tan x और v की जगह आपका है e की पावर x, इसलिए i बराबर u ऐसे तो log
sec x प्लस का tan x तो ऐसे आ जाएगा, और समाकलन ऑफ p की पावर x dx, फिर माइनस समाकलन ऑफ बड़ा cos d अपॉन dx log sec x प्लस का tan x डॉट समाकलन ऑफ p की पावर x dx बड़ा ब्रैकेट dx प्लस का c ऐसे देगा। फिर e की पावर x log sec x प्लस का tan x, फिर माइनस समाकलन ऑफ log का अवकलन होता है एक बटा अंदर वाला, अभी भी किया था वैसे, तो अंदर वाला sec x प्लस का tan x गुणा, फिर अंदर वाले का करेंगे तो sec x का हो जाएगा sec x tan x, sec x tan x प्लस tan का हो जाएगा sec square x। और फिर देखो यहाँ e की पावर x का हो जाएगा e की पावर x dx प्लस c, नहीं है प्लस, आपको यहाँ ये हो रहा है sec x, तो sec x dx प्लस का c, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, और sec x भी अकेला नहीं आएगा, e की पावर x से मल्टीप्लाई भी होगा, तो e की पावर x sec x आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा आपका e की पावर x sec x, यहाँ का समाकलन समाकलन ऑफ e की पावर x sec x dx प्लस का c, i बराबर e की पावर x log sec x प्लस का tan x माइनस समाकलन ऑफ sec x tan x प्लस sec square x के ऊपर sec x कॉमन ले लेंगे, तो sec x, तो यहाँ बच गया आपका tan x प्लस का sec x बटा sec x प्लस का tan x, और e की पावर x dx प्लस का समाकलन ऑफ e की पावर x sec x dx प्लस का c, तो i बराबर e की पावर x log sec x प्लस का tan x माइनस समाकलन ऑफ, देखो इससे आपका ये कैंसिल हो गया था, केवल sec x बचेगा, एक e की पावर x है, तो e की पावर x sec x dx प्लस समाकलन ऑफ e की पावर x sec x dx प्लस का c, तो इससे आपका ये बच गया, हो गया कैंसिल हो गया, फिर बचा कौन सा, ये बच गया, तो i बराबर e की पावर x log sec x प्लस का tan x प्लस का c, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आपको किस को क्या करना है, हल करना है, बस पता यही करना है, पहली बात तो कि डायरेक्ट खंड से समाकलन लगाना है या एक का अवकलन दूसरा है उसका पता करना है, तो एक ही पावर x में अगर एक से ज्यादा पद हो इसका मतलब समझना कि एक का अवकलन दूसरा है, फिर पता करो कि किसका अवकलन करेंगे तब दूसरा प्राप्त होगा, तो इसका अवकलन जैसे ये प्राप्त हो रहा है ऐसे पता करेंगे, फिर इसी में हम क्या करेंगे खंड से समाकलन लगाएंगे, ये पड़ा पद कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 16, एक ही पावर x ब्रैकेट में sin x प्लस का cos x और sec square x, इसका समाकलन करना है, तो सबसे पहले इसको समाकलन रूप में व्यवस्थित करते हैं, लेट i बराबर समाकलन ऑफ e की पावर x sin x प्लस cos x और sec square x dx, तो e की पावर x के अंदर एक से ज्यादा पद है इसका मतलब एक का अवकलन दूसरा, ये तो श्योर है, अब देखो sin का अवकलन है वो cos x होता है, तो यहां बिल्कुल सही बात बैठ रही है, हम इसमें खंड से समाकलन लगाते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो साइन का अवकलन cos x है तो इतनी बात नहीं, इसके अलावा sec स्क्वायर भी है यहाँ पे, तो पहले sec स्क्वायर को एडजस्ट करो, यानी इन पदों के साथ एडजस्ट करो, मल्टीप्लाई में मत रखो, उसके पश्चात देखो कि किसका अवकलन क्या होता है, अब sec स्क्वायर इसके अंदर आएगा तो कैसे आएगा, तो sec स्क्वायर को हम लिख देंगे एक बटा cos स्क्वायर, यानी cos का फिर अलग अलग भाग लिख देगा, तो i बराबर समाकलन ऑफ e की पावर x sin x प्लस का cos x गुणा एक बटा cos स्क्वायर x dx भाग देंगे, तो i बराबर समाकलन ऑफ e की पावर x ब्रैकेट में sin x प्लस का cos x, इसमें अलग भाग लगेगा इसका, तो यह जाएगा आपका cos स्क्वायर x, इसमें अलग भाग लगेगा तो यह जाएगा cos स्क्वायर x dx, अब sin है नीचे cos स्क्वायर, तो sin के नीचे एक cos तो बन जाएगा tan, एक cos बचेगा वो बन जाएगा sec, तो i बराबर e की पावर x, तो ये बन गया आपका sec x tan x tan x, फिर प्लस यहाँ एक cos तो कट गया, एक बटा cos बचेगा वो बन जाएगा आपका sec x dx, अब देखो अपने पास कोई पद नहीं है इनके अलावा, अब देखो sec x tan x है इधर sec x, तो हमें पता है sec x का अवकलन sec x tan x होता है, तो अब इसमें हम खंड से समाकलन लगाएंगे,
तो ए की पावर उसको अलग मल्टीप्लाई करके दोनों के समाकलन अलग अलग कर लेते हैं। तो आई बराबर समाकलन ऑफ ई की पावर एक्स सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स प्लस समाकलन ऑफ ई की पावर एक्स सेक एक्स डी एक्स ऐसे। अब इसको एक नंबर और दो नंबर फलन देने पड़ेंगे, वो फलन दिए जाएंगे आपके आईलेट नाम के आधार पर। तो एक तो ए की पावर एक्स है यानी लास्ट वाला हो गया, एक आपका सेक एक्स है ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, ये दो है। तो ये दो तो लास्ट में है, तो ये पहले आया था एक नंबर इसको और उसको दो नंबर। तो यहाँ हो गया आपका एक नंबर और ये हो गया आपका दो नंबर, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। तो खंड से समाकलन से तो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में आपका आ जाएगा आई बराबर समाकलन ऑफ ई की पावर एक्स सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स प्लस। फिर यहाँ क्या आएगा, अब खंड से समाकलन का फॉर्मूला पता ही आपको कि प्रथम फलन तो ऐसे ही, तो sec x आपका ऐसे ही, फिर समाकलन ऑफ द्वितीय फलन तो e की पावर x dx, फिर माइनस समाकलन ऑफ प्रथम फलन का अवकलन तो d अपॉन dx, प्रथम फलन आपका sec x डॉट दूसरे का समाकलन तो e की पावर x dx पूरे का dx प्लस का c ऐसे आएगा। तो i बराबर समाकलन ऑफ e की पावर x sec x tan x डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स होगा, ये आ जाएगा आपका ई की पावर एक्स सेक एक्स, फिर माइनस समाकलन ऑफ सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स टेन एक्स, और ई की पावर एक्स का होता है ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस का सी। इससे आपका ये पद क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, फिर बचा कौन सा ई की पावर एक्स सेक एक्स बचा, इसलिए आई बराबर ई की पावर एक्स सेक एक्स प्लस का सी, ये क्या हो गया आपका आंसर। इस प्रकार से अपन क्या करेंगे क्वेश्चनों को, जितने भी क्वेश्चन है और भी बहुत सारे क्वेश्चन है ऐसे इससे रिलेटेड जिनको हम इस प्रकार से हल करेंगे तो आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 cos 2 थीटा log cos थीटा प्लस sin थीटा बटा cos थीटा माइनस sin थीटा। अब देखो इसमें कोई की पावर एक्स नहीं है, ये अलग है, इसमें एक log का फलन है एक cos का फलन है। तो इसमें अब कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट अपने को क्या करना है हल करना है। हल कैसे करोगे, डायरेक्ट खंड से समाकलन लगेगा, क्यों कि ये दो फलनों का क्या हो गया गुणा हो गया। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे समाकलन रूप में व्यवस्थित कर देंगे। तो लेट आई बराबर समाकलन ऑफ कोस टू थीटा लॉग कोस थीटा प्लस साइन थीटा बटा कोस थीटा माइनस का साइन, और ये हो गया आपका डी थीटा। अब खंड से समाकलन लगाएंगे तो इसमें से कोई एक तो एक प्रथम फलन होगा, कोई दूसरा है उसको द्वितीय फलन देंगे। वो फलन कैसे देते हैं, वो देते हैं आईलेट के हिसाब से। आईलेट आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एल का मतलब लॉग, ए का मतलब एलजेब्रिक, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। तो यहां देखो एक तो कोस है तो ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो ये तो हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक। ए का आपका लॉग है, ये हो गया लघुगणक किया, तो ये लॉगरिथम के फंक्शन हो गया। अब इसमें लॉग वाले को दे देंगे एक नंबर और इसको दे देंगे दो नंबर, जो पहले आएगा उसको प्रथम क्रमांक दिया जाएगा। तो ये हो गया आपका पहला और ये हो गया आपका दूसरा। अब करते हैं समाकलन, तो उसका नाम का खंड से समाकलन, तो लिखते हैं इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। फॉर्मूला होता है आपका समाकलन ऑफ यू डॉट वी टी एक्स, U प्रथम होता है और V डी देता है, अपनी स्वेच्छा से हमने माना है। तो खंड से समाकलन क्या कहता है कि पहले को ऐसे रखो और दूसरे का समाकलन करो, फिर माइनस समाकलन और बड़ा कोष्टक पहले का अवकलन, तो D अपॉन डी एक्स पहला कौन है U डॉट समाकलन और दूसरा तो V डी एक्स और पूरे का डी एक्स प्लस का सी एस है। तो इसलिए I बराबर U यानी प्रथम फलन, प्रथम फलन आपका ये है, तो लॉग cos थीटा प्लस साइन थीटा बटा cos थीटा माइनस साइन थीटा, फिर समाकलन ऑफ cos 2 थीटा d थीटा, फिर माइनस समाकलन ऑफ बड़ा कोष्टक d अपॉन d थीटा, क्योंकि यहां थीटा के हिसाब से कर रहे हैं इसलिए थीटा आएगा। प्रथम फलन, तो प्रथम फलन कौन सा है आपका, है log cos थीटा प्लस साइन थीटा बटा cos थीटा माइनस साइन थीटा, मतलब ब्रैकेट बंद, फिर समाकलन ऑफ
दिव्य आपका कोस टू थीटा, तो यहाँ आ जाएगा कोस टू थीटा डी थीटा ब्रैकेट क्लोज बार डी थीटा प्लस का सी। अब देखो अभी से जो समाकलन अवकलन है उनको अलग करते हैं, तो कोस टू थीटा है, कोस टू थीटा का हो जाएगा साइन टू थीटा बटा दो, थीटा का पूर्णांक उसका बाहर हो जाएगा, उसको लिख देते हैं आगे आगे, तो साइन टू थीटा बटा दो, और यहाँ हो गया आपका लॉग कोस थीटा प्लस साइन थीटा बटा कोस थीटा माइनस का साइन थीटा, फिर माइनस समाकलन ऑफ इसका अवकलन करेंगे तो लॉग का अवकलन आता है एक बटा अंदर वाला, तो लॉग का हो जाएगा एक बटा अंदर वाला, अंदर क्या आइए आपका कोस थीटा प्लस साइन थीटा बटा कोस थीटा माइनस का साइन थीटा बिल्कुल, ये तो लोग का होगा। अब लोग के अंदर वाला है उसका होगा, उसका होगा यू बट्टा वी से, यू बट्टा वी क्या कहता है कि बट्टा के ऊपर वाले का पहले अवकलन करेंगे तो नीचे वाला चला जाएगा, तो कोस थीटा माइनस का साइन थीटा और डी अपॉन डी थीटा, और यहाँ जाएगा आपका कोस थीटा प्लस का साइन थीटा, ठीक है ये ऐसे चलेगा बट्टा में, फिर माइनस माइनस में फिर क्या होगा उल्टा हो जाएगा, ऊपर वाला ऐसे ही यानी आपका कोस थीटा प्लस साइन थीटा ऐसे रह जाएगा और d अपॉन d थीटा यहाँ जाएगा नीचे वाला, तो cos थीटा माइनस का sin थीटा, फिर बट्टा बट्टा में आएगा नीचे वाले का होल स्क्वायर यानी cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर, फिर गुणा, ये तो हो गया इसका होल, cos 2 थीटा का cos 2 थीटा का हो जाएगा sin 2 थीटा बट्टा 2, तो यहाँ हो जाएगा आपका sin 2 थीटा बट्टा 2 और d थीटा प्लस का c, ऐसे हो जाएगा। अब देखो आगे आगे यहाँ ऊपर लिख देते हैं, तो आई बराबर साइन टू थीटा लॉग कोस थीटा प्लस साइन थीटा बट्टा कोस थीटा माइनस साइन थीटा और बट्टा में दो, या गया पहला, फिर माइनस माइनस समाकलन ऑफ ये उल्टा हो जाएगा आपका, एक ही बट्टा में तो ऊपर आ जाएगा, तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा ऊपर बट्टा कोस थीटा प्लस का साइन थीटा, फिर गुणा, यहाँ देखो यहाँ आपका कोस थीटा माइनस साइन थीटा है तो कोस थीटा माइनस का साइन थीटा, फिर गुणा में इसका अवकलन करेंगे तो कोस का तो हो जाएगा माइनस साइन और साइन का हो जाएगा कोस, ये हो जाएगा आपका कोस थीटा माइनस साइन थीटा, फिर माइनस आपका ये तो यहाँ cos थीटा प्लस sin थीटा है, ये हो जाएगा आपका cos थीटा प्लस का sin थीटा गुणा cos थीटा का हो जाएगा माइनस sin थीटा और माइनस sin थीटा का हो जाएगा cos थीटा, तो यहाँ आ जाएगा आपका माइनस का sin थीटा और माइनस का cos थीटा, मल्टीप्लाई में फिर बट्टा में नीचे वाले का होल स्क्वायर, तो ये आ गया आपका cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर गुणा ये साइन टू थीटा बटा तो डी थीटा प्लस का सी दिया गया। अब देखो अभी तो वापस से इसको फर्स्ट लिखेंगे, पहले साइन टू थीटा लॉग कोस थीटा प्लस साइन थीटा बटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटा दो, फिर माइनस समाकलन ऑफ, देखो यहाँ आपका ऊपर कोस थीटा माइनस साइन थीटा है जो नीचे से एक हाथ क्या कर देगा कम कर देगा, तो यहाँ ऐसे कम हो गया, फिर देखो आपका बट्टा के नीचे क्या बचता है, बट्टा के नीचे एक तो ये बचा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ से एक तो ये बचा ए प्लस का, एक यहाँ से कम हुआ था एक यहाँ से बच जाएगा कोस थीटा माइनस का साइन थीटा, एक बटा बचा दो बटा में दो आ गया, उसके बाद यहाँ देखो कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस है एक देखो ये दोनों मत माइनस के हैं तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो वो माइनस इसको क्या कर देगा प्लस कर देगा, प्लस यहाँ हो जाएगा आपका कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इतना होने के बाद गुणा में आपका ये साइन टू थीटा है ये sin 2 theta d theta plus का c ऐसे, तो फिर
जो बचा आपका आई बराबर साइन टू थीटा लॉग कोस थीटा प्लस साइन थीटा बट्टा कोस थीटा माइनस का साइन थीटा बट्टा दो, फिर माइनस समाकलन। यहाँ है कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ है कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो बढ़ेगा, एक तो कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन थीटा कोस थीटा, प्लस एक यहाँ से बढ़ेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस का टू साइन थीटा कोस थीटा बट्टा। यहाँ देखो आपका दो तो है ही है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी है, वो हो जाता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और गुणा में आपका साइन टू थीटा डी थीटा प्लस का सीन है ये। तो यहाँ देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एक कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक और ये प्लस का और ये माइनस का, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो आई बराबर साइन टू थीटा लॉग कोस थीटा प्लस साइन थीटा बट्टा कोस थीटा माइनस साइन थीटा बट्टा में दो, फिर माइनस समाकलन, और एक रे कितना हो गया दो, तो दो बट्टा दो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस टू थीटा, तो कोस टू थीटा गुणा यहाँ से आपका साइन टू थीटा डी थीटा प्लस का सी, दो से दो कैंसिल हो जाएगा, साइन बट्टा कोस क्या बन जाएगा टेन बन जाएगा। तो आई बराबर साइन टू थीटा लॉग कोस थीटा प्लस का साइन थीटा बट्टा कोस थीटा माइनस का साइन थीटा बट्टा में दो, माइनस समाकलन ऑफ ये हो गया आपका टेन टू थीटा डी थीटा प्लस का सी। अब इसका समाकलन कर लेंगे, तो आई बराबर साइन टू थीटा लॉग कोस थीटा प्लस का साइन थीटा बट्टा कोस थीटा माइनस का साइन थीटा बट्टा में आ गया दो, माइनस अब टेन का हो जाएगा लॉग सेक, तो ये हो जाएगा आपका लॉग सेक टू थीटा, क्योंकि यहाँ टू थीटा से टू थीटा बट्टा थीटा का गुणा दो दो प्लस का सी, ये क्या आ गया अपना आंसर आ गया। देखो क्वेश्चन आपका क्या था, थोड़ा बड़ा था और लेंथी था, लेकिन था सिंपल, इसमें केवल कैलकुलेशन थी, उसके अलावा कुछ नहीं था, सिंपल सा हमने खंड से समाधान का फॉर्मूला लगाया, स्टेप बाय स्टेप इस कैलकुलेशन को अच्छी तरीके से सॉल्व करते गए, लास्ट में अपने पास टेन टू थीटा बन गया, टेन का समाधान हम जानते हैं, तो हमने समाधान लिख दिया और आपका आंसर प्राप्त हो गया। और भी क्वेश्चन आगे हैं, दो तीन क्वेश्चन और, जो लेंथी है लेकिन है इजी सिंपल से ही है,